अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जायका हाउस बाय शबाना शेख। जायका हाउस में आज हम बना रहे हैं पनीर विदाउट मोल्ड। विदाउट मोल्ड पनीर कैसे रेडी होगा, तो चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हम कोई भी कढ़ाई, पतीला, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले लेंगे। और उसमें मैं डाल दूंगी दूध, 2 लीटर दूध डालूंगी, ये आधा लीटर है। और इस तरह से मैं करके 2 लीटर दूध डाल दूंगी इसमें। तो मैंने पैन में दूध डाल दिया है, 2 लीटर दूध मैंने लिया है और हाई फ्लेम पर इसे मैं बॉईल आने दूंगी। दूध बॉईल हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस। जब दूध बॉईल होगा तब आपको डालना है। और इसको मैं चम्मच से थोड़ा सा हल्के से चलाऊंगी, इसको हल्के से मैं चलाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, दूध फट चुका है। और लो फ्लेम पर इसे मैं थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है वो पानी जो है वो अलग हो चुका है, जो दूध फटा हुआ था वो अलग हो चुका है। अब मैं इसको छान लूंगी, इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है। मैंने एक बाउल ले लिया है, बाउल में मैं रख दूंगी छन्नी, कोई भी छन्नी आप ले लेंगे। और इसके ऊपर मैं रख दूंगी वाइट, एक कपड़ा वाइट लिया है मैंने, कोई भी आप ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा लेना है। और ज़्यादा मोटा नहीं रहे कपड़ा, थोड़ा पतला ही कपड़ा लेना है। और इसमें मैं ये जो दूध का मिक्सचर था थोड़ा थोड़ा करके पूरा इसमें मैं डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा दूध के साथ में जो पानी और जो भी ये पनीर बना हुआ है मैंने इसमें डाल दिया है, कि सारा जो पनीर है इस कपड़े में आ चुका है। इसको इस तरह से उठा लेना है और आप पानी देख सकते हैं नीचे, ये पानी आ चुका है। इसको मैं रिमूव कर दूंगी, इसको फेंक देना है ये अब हम पानी। कोई भी प्लेट ले लेंगे और इसके ऊपर मैं रख दूंगी ये, इस तरह की आपके पास स्ट्रेनर हो तो आप ले लेंगे। और इसको मैं उल्टा करके इस पे रखूंगी। और ये जो पनीर हमने बनाया है इस कपड़े को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी, इसको इस तरह से करूंगी, थोड़ा से खींच कर करना है ये इस तरह से। और जो इधर का, ये दोनों साइड का जो है उसको भी मैं इधर इस तरह से फोल्ड कर लूंगी, ये इस तरह से फोल्ड करके इसको इस छन्नी के ऊपर रखना है आपको, ताकि जो इसका पानी निकलेगा वो छन्नी से प्लेट में चला जाएगा। और इसके ऊपर कोई भी वजन चीज़ आप रख देंगे, मैं तो जिसमें मैंने छाना था पनीर को तो उसी बाउल में मैं आधा बाउल पानी भरकर और इसे एहतियात से इस तरह से रख देना है। अब मैं इसको 1 घंटा तक इसी तरह रहने दूंगी। 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पनीर कैसे बनेगा। बाउल में पानी भरकर मैंने रख दिया है, आधा बाउल ही लिया है, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। आधा बाउल भरने के बाद इसे 1 घंटे तक इसी तरह रहने देंगे, ताकि जो इसका एक्सेस पनीर का पानी जो है, ये देख रहे हैं आप पानी इस तरह से निकल रहा है, छन्नी रखने की वजह से छन्नी के अंदर पानी चला जाएगा। तो 1 घंटे तक मैं इसे इसी तरह रहने दूंगी। 1 घंटा हो चुका है, अब मैं इस बाउल को हटा दूंगी और ये जो हमारा पनीर इस कपड़े में है इसको मैं उठाऊंगी और आपको मैं इसमें दिखाऊंगी कि पानी इसमें, ये आप देख सकते हैं एक्सेस पानी जो है वो निकल जाएगा। तो अब मैं पनीर आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो इसे अब मैं काट देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। आप बिल्कुल भी पनीर बाहर से मत लीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत कम जगह पर हैं कि प्योर आपको पनीर देते हैं, उसमें वो लोग मिलावट कर देते हैं। तो इस तरह से घर पे बनाइए, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है और ये सॉफ्ट भी बहुत होता है। तो मैंने इसे काट लिया है, ये आप देख सकते हैं पनीर हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए। और ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है इस तरह का, देख सकते हैं आप, सॉफ्ट पनीर है ये, देखिए। मैं एक और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बिल्कुल भी, इसमें आपको तो पता है आप घर में अपने हाथों से बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।